हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं फिर आया था महाकाल कॉरिडोर में आप लोगों को दिखाने महाकाल कॉरिडोर का हाल। बट यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं कि कॉरिडोर को पूरी तरह से बंद कर दिया है और सिर्फ वहाँ से अब लोगों को एंट्री दी जा रही ताकि वो डायरेक्ट दर्शन कर सके। और इसके अलावा ना तो आप कोई फोटो ले सकते हो ना घूम सकते हो। आपको मैं अपने फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ, तब आपको दिखेगा यहाँ की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये वो वाला एरिया है जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको अच्छे से घुमाया है, अगर आपको याद होगा तो। और यहाँ भी सारी बैरिकेड्स कर दी गई। अगर आपको महाकाल मंदिर के दर्शन करना है तो आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा, जो इस महाकाल लोक का जो मुख्य द्वार बनाया है वहाँ से। और अभी ये देखिए, यहाँ पे सब हम लोग पहले बहुत घूमे हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा एरिया मैंने घुमाया अच्छे आराम से। देखिए अभी ये यहाँ पे आगे शिव जी भी एक बैठे हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये यहाँ पे जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए जो ऊपर शिव जी बैठे हैं, यहाँ भी हम गए हैं, हमारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे सब लोग जाते भी हैं, सब लोग फोटो खिंचाते हैं, बट अभी सभी को बंद कर रखा है, किसी को भी परमिट नहीं दे रहे जाने की। और ये यहाँ पे भी बैरिकेड्स लगा दिए, बल्कि ये पूरा महाकाल लोक का ही एरिया है, महाकाल कॉरिडोर का ही एरिया है। यहाँ पर अभी तक आराम से लोग घूमते थे, बट अभी बैरिकेड्स लगा के सिर्फ एक रास्ता ही चालू रखा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं मंदिर में। और ये महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर का हिस्सा है जहाँ पे अभी तक लोग आराम से घूमते थे, फ़ोटो लेते थे, पूरा इस महाकाल लोक को घूमते थे। बट अब दोनों साइड सिर्फ बैरिकेड्स लगा के और डायरेक्ट मंदिर जाने दिया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आप देखते रहें।